अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सारा अहमद साहिबा। मैम ये बताइएगा कि 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियों की बच्चियों की शादी हो जाती है उस हवाले से आप एक बिल लेके आई हैं, उसकी तफसील बताइएगा और बिल के बाद क्या यकीन कैसे आप इंश्योर करेंगी कि ये जो मामला होता है ये ना हो। देखिए, हमें जो बिल लेके आई हूँ वो मैंने एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल पंजाब असेंबली में भी जमा करवाया, एज चेयरपर्सन चाइल्ड वेल प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो होम डिपार्टमेंट में भी भेजा। आज उस पर एक मीटिंग हुई है, स्पीकर साहब हैज़ बिन वेरी काइंड कि अपना वो टाइम निकाला, उन्होंने मीटिंग की है ताकि और भी जो MPs हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें इंकॉर्पोरेट कर दिया जाए मेरे बिल में और फिर इसको हम होम डिपार्टमेंट भेजेंगे और गवर्नमेंट टेकअप करेगी इसको, क्योंकि एक लाहौर हाईकोर्ट के जज का जजमेंट भी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो वॉन्ट्स कि इस पर काम किया जाए, इसको टेकअप और अप्रूव किया जाए इंशाल्लाह। इस मैंने जो बिल प्रपोज किया उसके मुताबिक मिनिमम एज एक बच्चे की, एक इंसान की 18 ईयर्स होगी, दूसरा निकाह ख्वान और जो शादीशुदा उसमें इन्वॉल्व्ड एडल्ट और पेरेंट और गार्डियन सबको सज़ा मिलेगी। जो अगर वो 18 साल से अब बिलो की शादी करवाएंगे उन सबको सज़ा मिलेगी। जो कंप्लेनेंट है उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो उसको एनोनिमस रखा जाएगा और एक मिनिमम जो सज़ा है वो होगी 2 साल की, मैक्सिमम सज़ा 2 साल की, अप टू 2 ईयर्स, और फाइन जो है मैक्सिमम होगा 2 लाख रुपए। अच्छा मैडम, ये शहरों में तो फिर बहुत कम है, लेकिन जो जो गांव वगैरह या देहात है उधर ये अभी भी कल्चर है, तो उनको रोकने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या कर रहा है और अभी भी आप लोग रोक तो रहे हैं, तो कैसे इस पर कैसे एक कोई कह लें कोई इश्तहारात वगैरह उसके हवाले से अवेयरनेस भी फैलाई जाए। बिल्कुल, देखिए हम तो ऑलरेडी आपको पता है अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, आगाही मुहिम चलाते हैं, उसमें हम चाइल्ड मैरिज पर भी काम कर रहे हैं और ज़्यादा करेंगे अब। और दूसरी चीज़ ये कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स को इख्तियार दे रहे हैं इस बिल के तहत कि हमारे अपने जो कोर्ट्स हैं, हमारे अपने जज वो टेकअप करें ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। स्पेशल कोर्ट होगा वो चाइल्ड मैरिज के लिए, जो हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है, तो वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और अगर ये बिल पास हो जाता है। और दूसरी बात ये कि हम अवेयरनेस पे करेंगे कम्युनिटी लेवल पर, और ये बिल बहुत बड़ा एक डेटरेंस के टाइम तौर पर काम करेगा। देखिए अभी तो एज ही 16 है, अगर कोई 17 साल के बच्चे की शादी होती है तो कोई तो पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि कानूनी एज जो है वो 16 है पहली बात, तो वो 18 हो जाए तो वो एक बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जिसको अभी हम इस पर हमने काफ़ी शादियां रुकवाई हैं, आपको पता है जो 18 से कम उम्र की 16 से कम है, तो आइंदा भी हम इस पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक्शन लेगा। लास्ट पर ये बता दें कि जो निकाह खान होते हैं, जो मौलवी हज़रात होते हैं, जैसे वो निकाह करवा देते हैं, वो कहते हैं शादी नहीं है खाली निकाह हुआ है, तो निकाह पर भी जो है इस पर पाबंदी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने CNIC की शर्त रखी है, हमने CNIC की शर्त रखी है। CNIC प्रोड्यूस होगा, CNIC 18 साल पे बनता है, जब वो होगा सामने तभी निकाह करवाया जाएगा। लड़की की अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो उसका निकाह जो है गैर कानूनी, जी जी उसका निकाह गैर कानूनी, वो हो ही नहीं सकता। तो CNIC प्रोड्यूस करना होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी सब काम करेंगे। और मैं आवाम को भी कहती हूँ कि अगर कोई कम उम्र की शादी होता हुआ देखे तो हमारी हेल्पलाइन 1121 पे इन्फॉर्म करे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अभी भी इस पर काम कर रहा है और आगे भी करे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने गुफ्तगू सुनी सारा अहमद साहिबा की, जिनका कहना है कि अगर इस तरह की शादियाँ हो रही हैं जो कि 18 साल से कम है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, हम उनको जो है रुकवाएंगे। आज की वीडियो के साथ आप मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।